गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास में सब्जेक्ट है मैथ चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री के अंदर आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में आपको जो है ऐड करना है वन और जीरो। तो अगर हम लोग थ्री में वन ऐड करते हैं तो तो आपका हो गया फोर। फोर में अगर हम लोग जीरो ऐड करते हैं तो जीरो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो जीरो अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे फोर का फोर ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इधर हम लोग जीरो लिख दिए और इधर टू लिख दिए तो जीरो प्लस टू क्या हो गया? जीरो तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? टू। तो इस तरह हम लोग जो है ये देखें कि थ्री प्लस वन किए तो फोर हो जाएगा, फोर प्लस जीरो किए तो फोर हो गया, और जीरो प्लस टू करेंगे तो टू हो जाएगा। तो इस तरह एक आपका इस तरह का मैथ बुक में दिया हुआ है जो आपको बनाना है। दूसरा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आपको कैसे भरना है ये आप देखिए। इस तरह इस कॉलम में आपका नंबर दिए हुए हैं, आपको इस कॉलम को इससे ऐड करना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फोर प्लस थ्री। फोर को अगर थ्री हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? फाइव सिक्स सेवन। तो यहाँ लिखा गया सेवन फाइव। अब ये हो गया, यहाँ फाइव को फिर थ्री से ऐड करेंगे तो फाइव को अगर हम लोग थ्री से ऐड करते हैं तो सिक्स सेवन एट, यहाँ हो गया आपका एट। फिर थ्री से थ्री को ऐड करते हैं तो थ्री में थ्री को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ हो गया आपका सिक्स। इसी तरह आपका है कि जीरो इसमें ऐड करना है, तो जीरो जब आप ऐड कीजिएगा फाइव प्लस जीरो तो ये हो गया आपका फाइव, क्योंकि जीरो तो कुछ होता नहीं है। थ्री प्लस जीरो तो क्या हो गया? थ्री। टू प्लस जीरो यहाँ हो गया आपका टू। तो आपको इसको ऐड ऐसे ही करना, जो इस साइड आपका नंबर है उसको आपको प्लस यहाँ पे जो भी अंक रहेंगे जो भी नंबर रहेंगे उसके साथ आपको ऐड करना है। यहाँ फोर है, यहाँ थ्री है, तो इसको हम लोग इससे ऐड किए तो यहाँ सेवन हो गया। फाइव को थ्री से ऐड किए तो ये एट हो गया, थ्री को थ्री से ऐड किए तो ये सिक्स हो गया। उसी तरह फाइव को जीरो से ऐड किए तो फाइव, थ्री को जीरो से ऐड किए तो थ्री, टू को जीरो से ऐड किए तो ये हो गया टू। तो इस तरह करके आपको यहाँ पे ये देखिए आपके बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ आपका बुक में देखिए ये दिया हुआ है, ये फिल इन द बॉक्सेस और ऐड द फॉलोइंग यहाँ दिया हुआ है आपको। इसमें आपको थ्री प्लस वन, वन प्लस थ्री, सिक्स प्लस थ्री, थ्री प्लस सिक्स, एट प्लस वन, वन प्लस एट, फोर प्लस टू, टू प्लस फोर, टू प्लस फाइव, फाइव प्लस टू, टू प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस टू। तो इस तरह आपका यहाँ पे बुक में दिया, आपको इसको बुक में बनाना है। फिर आपका नीचे है थ्री प्लस टू इक्वल वन प्लस फोर, तो इसको कैसे करना है आपको? अब इसको देखिए, इसको अभी आपको बोर्ड पर समझाते हैं। अब यहाँ देखिए थ्री प्लस टू इक्वल वन प्लस फोर, तो ये हो गया आपका फाइव। कैसे करना है ये देखिए आपको, यहाँ आपका बराबर दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ है। इधर का अंक और इधर का अंक दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो फाइव आना चाहिए, थ्री और टू को ऐड करेंगे तो फोर फाइव, और वन में फोर को ऐड करेंगे तो वन के बाद देखिए फोर है तो टू थ्री फोर फाइव। तो इधर को भी ऐड करेंगे तो फाइव होगा और इधर भी ऐड करेंगे तो फाइव होगा। तो आप एक एग्जांपल और देखिए, अगर हम यहाँ पे टू प्लस फोर किए, ठीक है, टू और फोर को ऐड करेंगे तो सिक्स होगा, तो हमको इधर भी वैसा ही देना है, ठीक है। तो इधर हम लोग अगर थ्री प्लस थ्री कर दिए तो इधर भी फोर प्लस टू सिक्स हो गया और इधर भी थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया। तो इस तरह करके आपको ये
मेथड से बनाना है। ये आप समझ गए होंगे कि दोनों तरफ ये जो इक्वल है इसके इधर भी जोड़ने पर उतना ही अंक आना चाहिए और इधर भी जोड़ने पर उतना ही अंक आना चाहिए। आप नंबर को उलट उलट करके बनाइए, लेकिन आपको दोनों तरह से जोड़िएगा, जब दोनों नंबर को जोड़िएगा तो उसका सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये आज आपका जो है पेज नंबर 36 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरे सब्जेक्ट दूसरा टॉपिक पर आपको रिवीजन करवाएंगे। गुड डे।